मथुरा पुलिस ने नकली नोटों के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के पास से एक प्रिंटर मिला है। माना जा रहा है कि ये नकली नोट छापते थे। इन तीनों को गायत्री तपोभूमि के पास से पकड़ा गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गायत्री तपोभूमि क्षेत्र में एक मकान में नकली नोट छापने का काम चल रहा है और इन छपे हुए नोटों की सप्लाई देहात में की जा रही है। इस पर पुलिस ने छापा मारकर तीन लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान इन अभियुक्तों के पास से 3,12,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए तीनों अभियुक्तों के नाम कैलाश उर्फ पपुआ निवासी मुड़ेलिया थाना नौजील, महेश कुमार उर्फ लाखन निवासी पेंगोर कुम्हेर और हसीन निवासी कागरौल आगरा के हैं। इनके तीन साथी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। ये शातिर अपराधी 1,00,000 रुपए के नकली नोट के बदले में 25,000 रुपए असली नोटों में लेते थे। आरोपियों से 500 और 2,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं। पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। गोविंद नगर पुलिस द्वारा एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ये गिरोह जो नकली नोट, जिसे कि FICN कहते हैं, छापने का और उन्हें मार्केट में सप्लाई करने का काम करता था। इसमें कुल 6 लोग थे, जिसमें से 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उनका नाम कैलाश, महेश और हसीन है। कैलाश और पपुआ इसका मेन लीडर है, जो कि नौजील का रहने वाला है। इसी के साथ इसका दो सचिन पुत्र नेत्रपाल, वो भी मेन लीडर है, जो कि फरार है। इनके पास से 3,12,000 के कुल 2,000 के और 500 के नोट, जो कि कुल कीमत 3,12,000 बरामद हुए हैं। साथ ही साथ जिस प्रिंटिंग मशीन से नोट छापा करते थे और अन्य उपकरण, जैसे कि आपका कटर हो गया, कैंची हो गया, पेंसिल हो गया और कागज़, ये सभी बरामद हुआ है और इन सभी को बरामद करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की। ये अलग अलग रूम लेकर अलग अलग जगह पर रहते थे और मार्केट में किसी को भी जो इनसे कॉन्टेक्ट में आता है और जो 1/4 पर इनसे इन पैसों को ले लेता है और वो कहीं पे भी इनको चलाता है। जैसा इन्होंने बताया है कि करीब इन्होंने 7 से 10 लाख के बीच में नोट छापे थे और ये सारे नोट ज़्यादा नहीं, लेकिन 5 से 6 सीरीज के नोट हैं और काफ़ी लोगों को इन्होंने पैसे दिए हैं, लेकिन इनमें से जो मेन लोग हैं वो यही हैं, महेश, हसीन, सुंदर और गुलफाम। नहीं, उसका काम करने का तरीका अलग था और इनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग। ठीक है।